हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लेट्स डू इट टुगेदर विथ आशीष। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपको लगता है आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं और अच्छी तरह से जज कर सकते हैं कि कौन सा बैट्समैन कितने रन बनाएगा, कौन सा बॉलर कितने विकेट लेगा और कौन सी टीम कितने रन पर ऑल आउट हो जाएगी और कौन सी टीम एक ओवर में कितना स्कोर करती है? तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ जिससे आप घर बैठे अर्निंग कर सकते हो। घर बैठे, लॉकडाउन का टाइम है, जैसे पैंडमिक का है, काफ़ी लोगों के पास जॉब है, काफ़ी लोगों के पास नहीं है, बट जो मैं प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ ये लीगल है और उस पर आप अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, फुटबॉल हो, टेनिस हो, क्रिकेट हो, कोई भी चीज़ हो, जैसे कि आपको पता है आईपीएल आने वाला है और अभी भी काफ़ी क्रिकेट मैच चल रहे हैं और मैं भी काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, जिससे काफ़ी अर्निंग आप कर सकते हो और इसे तुरंत एक से दो घंटे में विड्रॉल कर सकते हो। दोस्तों, क्या मेथड है, क्या ऐप है, मैं आज के पूरे वीडियो में डिस्क्लोज करने वाला हूं। तो चलिए आज का पूरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नेम है आशीष और आप देख रहे हैं लेट्स डू इट टुगेदर विथ आशीष। दोस्तों, आपने बैटिंग की बात बैटिंग ऐप के बारे में तो सुना होगा, बट मैंने एक लास्ट फोर आर बैट ऐप के बारे में बताया था जो कि जेन्युइन नहीं था, बट जो आज जो मैं ऐप के बारे में लेके आया हूँ बैट 365, इसके बारे में आपने नाम भी सुना होगा और काफ़ी पुराना और ज़बरदस्त ऐप है। इसमें आप विड्रॉल है 4000 और मैक्सिमम 50 लाख तक विड्रॉल कर सकते हो इन डे के अंदर, और वो भी बिना चार्जेस के, ठीक है। फोर टू फाइव आवर्स के अंदर आपके अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाता है बैलेंस अगर आप विन करते हो। अब जैसे बैट 365 है, जैसे मैं इसे लॉगिन करते हैं, क्या आप साइन अप करते हैं, कैसे, क्या प्रोसेस, मैं पूरा आज के वीडियो में बता रहा हूँ, आप देखते रहिए। एंड पहली चीज़ दोस्तों, ये इलीगल है। अगर आप 18 साल से ज़्यादा हैं, 18 साल के हैं, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना मैंडेटरी है और उस पर आप यहाँ पे बैटिंग लगा सकते हैं और विन कर सकते हैं। मैं दिखाऊँगा कैसे इसे लगाए, कैसे विन करें, कैसे साइन अप करें, सारी चीज़ मैं डिस्क्लोज करने वाला हूँ। बस आज का वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो जैसे कि मैंने बैट 365 को अभी सर्च किया है गूगल पर और इसे ओपन कर रहा हूँ। थोड़ा सर्वर डाउन है क्योंकि काफ़ी लोग यूज़ कर रहे होंगे इस टाइम पे, तो इसलिए थोड़ा स्लो चल रहा है, तो वेट कर लेते हैं। और जैसे कि दोस्तों, आप कोई भी स्पोर्ट्स में एक्टिव हो या आपको इंटरेस्ट है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब जैसे दोस्तों, ज्वाइन पे क्लिक करना है, ज्वाइन पे क्लिक करोगे तो आपको वेट करना है थोड़ा सा, ठीक है। इस वेबसाइट का लिंक भी है और ऐप भी, जो कि आप ऐप के थ्रू भी से डाउनलोड कर सकते हो, पर मैं कहूँगा आप इसे ब्राउज़र पे ओपन करके यूज़ कीजिए। ऐप थोड़ा अनसेफ लगता है मुझे, तो आप ब्राउज़र से यूज़ कर सकते हो। अब जैसे फ्रेंड्स ने लिखा है कंट्री ऑफ रेसिडेंस, इंडिया है, इंडोनेशिया है, इटली है, जो भी आपकी कंट्री उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा इंडिया है, अपना नेम डाल देंगे, ठीक है, मिस्टर मिसेस जो भी हैं, आशीष सरनेम, डेट ऑफ बर्थ और मंथ डालना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगा, पैन कार्ड होगा, एग्जैक्टली वैसे ही डालना है। आपको ईमेल एड्रेस डालना है, ईमेल एड्रेस वही डालना है जो रनिंग हो, जो वर्क करता हो, क्योंकि आपको उस पर कोड जाएगा और उस पर आपको नोटिफिकेशन मिल देंगे कि आपके पास एक बैट ऑफर है। आपको और काफ़ी चीज़ें आपको फ्री में काफ़ी मनी भी मिल जाएगी जिससे आप बैट लगा सकते हो, ठीक है। कांटेक्ट नंबर डालना है, रेसिडेंस एड्रेस डालना है जो कि आपके आधार कार्ड पे है, वही रेसिडेंस एड्रेस डालना है। एक भी गलत चीज़, थोड़ा सा स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। टाउन सिटी डालना है और आप किस स्टेट से हैं वो आपको पूरा मेंशन कर देना है। यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ डालता हूँ आशीष, ठीक है, शर्मा डाल देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं यहाँ पे 6 दिसंबर, जैसे मेरा है 6 दिसंबर। यार कुछ भी डाल सकते हो, जो भी आपका है, जैसे मैं 2000 डाल देता हूँ, ठीक है। ईमेल आईडी डाल सकते हो अपनी, कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना है आपको, ठीक है, जैसे मैं कॉन्टैक्ट नंबर डाल देता हूँ, ठीक है, और ईमेल आईडी डाल देता हूँ, ठीक है। स्टेप्स मैं आपको समझाने के लिए डाल रहा हूँ, ठीक है। एड्रेस डाल देना जो भी आपको ठीक लगे, जो भी आपका एड्रेस है, जैसे मेरा एड्रेस है 123, सपोज़ करो मैं रहता हूँ साउथ दिल्ली, ठीक है, सपोज करो, और नियर कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है, बैंक राइट। अब यहाँ डालना सिटी, दिल्ली हो गया, फाइन, प्लीज सेलेक्ट, क्या लिखा है, हम डाल देते दिल्ली, पिन कोड डाल देना, जैसे आपको डालना है 1101, ठीक है। यूज़र नेम आपको ऐसा बनाना है, यूनिक से, जैसे इंस्टाग्राम का होता है आपका यूज़र नेम जो कि यूनिक रहे, उसे आप लॉगिन कर सकते हो, उसे आपको सेव करके नोट डाउन करके रखना है। ये नहीं कि आपने बनाया भूल गए फिर आपको बार फॉरवर्ड करना। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग डालना है, जैसे कि आपका नाम है राहुल, आर कैपिटल एट द रेट
AHUL राहुल एट द रेट 198 डेट ऑफ बर्थ डालना चाहिए, ऐसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। 4 डिजिट कोड बना सकते हो, जैसे MPIN होता है वो डाल दो, ऐसे जरूरी नहीं आपकी मर्जी है। सेंड मी ऑफर, ऑफर भी डाल सकते हो, ऑफर में मिलता है जैसे कुछ आपके पास ऑफर चलेगा, आपने 1000 डिपॉजिट किया तो आपको 200 एक्स्ट्रा मिले, तो इस टाइप से काफ़ी ऑफर चलते रहते हैं, ठीक है। और यहाँ बोनस कोड है तो बोनस कोड भी डाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ लिखा है आई एम एटलीस्ट 18 ईयर ऑफ एज एंड आई हैव रीड एक्सेप्ट एंड एग्री टू द टर्म एंड कंडीशन, आपको कम से कम 18 साल का होना चाहिए तभी आप इसमें बैट खेल सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों क्या करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे लॉग इन, मेरे पास ऑलरेडी मेरा अकाउंट है इस पर, कीप मी लॉग इन कर देता हूँ। जैसे लॉग इन करोगे तो इस पर आपको दोस्तों अपना आपको डालना है इस पर, मैं बता दूँ कैसे वेरीफाई करना है इसको, मैं पूरी क्लियर कर देता हूँ। जैसे मेरे पे वो 200 रुपीज़ है मुझे मिला हुआ है, ठीक है। तो आपको जाना डिपॉजिट पे जाएंगे आप, ठीक है। मैं उसे बैट कैसे खेले वो भी बताऊँगा आपको। माई अकाउंट पर जाएंगे तो माई अकाउंट पर जाके ना आपको कॉन्टैक्ट डिटेल स्टोरी दिखाता हूँ, बैंक पर गए डिपॉजिट है, विड्रॉल पे ना जैसे मैंने सारी चीज़ अपनी बैंक की डिटेल डाल रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ आपको डालनी है, कौन से बैंक की डिटेल है और बैंक का बैंक की डिटेल डालनी है, कैनरा बैंक है उसकी ब्रांच है, IFC को सारी चीज़ डालेंगे तो वो वेरीफाई हो जाएगा 24 घंटे के अंदर, उसकी कोई टेंशन वाली। आपको आधार कार्ड, मेरा आधार कार्ड डाल सकते हो वेरीफाई करने के, अगर वो मांगते हैं, वैसे मांगेंगे आपसे आधार कार्ड और पैन कार्ड मांगेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि किसी की ID प्रूफ है कोई भी बंदा इसे लॉग इन कर लेता है, इसलिए आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड मांगते हैं। और एक आपकी सेल्फी फ़ोटो भी, और एक हो सकता है आपके एक वीडियो कॉल होता है 1 सेकंड का, मतलब वीडियो कॉल नहीं होता, वो थोड़ा सा आपको देखते कि आप ही वो पर्सन हो जो साइड प्रूफ में है, ठीक है। तो इसे आप वेरीफाई कर लें, एकदम सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है इस ऐप पे। फ्रेंड मैंने भी इस पर विड्रॉल किया हुआ, मैं दिखा सकता हूँ आपको, ठीक है। विड्रॉल मैं दिखा देता हूँ आपको, लास्ट मंथ ही विड्रॉल किया था, वो दिखा देता हूँ, ठीक है। एक बार विड्रॉल मैंने 4000 रुपीज़ विड्रॉल किया था, देख सकते हो, ये 9 तारीख को मैंने विड्रॉल किया था 4000 रुपीज़। तो ये दोस्तों एक ही दिन 4 से 5 घंटे में आपको विड्रॉल हो जाता है अमाउंट। अब दिस, अब मेन चीज़ आती है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ वो कैसे होता है। ये जैसे देख रहे हैं 200 है मेरा अवेलेबल बैलेंस, इस पर क्लिक करेंगे, लेकिन 0 मैसेज है अलर्ट माई ऑफर्स, ठीक है। तो 395 रुपीज़ मिले हैं फ्री में, ठीक है। और जैसे आपको डिपॉजिट क्लिक करना, डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे आप, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको डिपॉजिट कैसे करना है मनी, ठीक है। यहाँ पर जैसे मिनिमम बैलेंस है 500 से, मिनिमम से डिपॉजिट करना है 500 करते हैं, डिपॉजिट पे क्लिक करना है आपको, यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डाल देना है आपको, ठीक है, तभी ये लेगा एक्सेप्ट करें। जैसे मैंने बताया आपको पैन कार्ड नहीं तो आपको आधार कार्ड नंबर डालना है। अब पेमेंट आप कैसे भी कर सकते हो, अब मैं जैसे दिखा देता हूँ आपको पेमेंट करने का। UPI पे क्लिक करना, आपको यहाँ पे UPI फ़ोनपे ID डालनी है, और पे करोगे तो आपको लिंक जाएगा, उस पर ऑप्शन आएगा, उस पर पे कर देना है, और डरना नहीं है, 5 मिनट में, आधे घंटे के अंदर अपडेट हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ बता दी मैंने आपको, आधे घंटे के बाद या ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। अगर नहीं भी अपडेट होगा तो कोई दिक्कत नहीं, जेनुइन ऐप है, एक हेल्प का ऑप्शन आता है वहाँ पे, आप स्क्रीनशॉट भेज देना अपडेट, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आधे से मैक्सिमम आधे से 45 मिनट के ऐड हो जाएगा। कभी भी आपको जब बैट लगानी हो तो आपको आधे घंटे पहले ही आप मनी डिपॉजिट करके रखना, ठीक है। और एक दोस्तों काफ़ी लोग, ठीक है, ये चीज़ होगी। अब इन प्ले में का मतलब हो जाता है जैसे कौन कौन से गेम चल रहे हैं, तो यहाँ पे अभी जो लाइव चल रहे हैं, जैसे अभी मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से गेम इस पर चल रहे हैं लाइव, तो इसमें देख सकते सॉकर, टेनिस है, बेसबॉल है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है। तो हम बात करेंगे मोस्टली इंडिया में क्रिकेट ही लोग पसंद करते हैं। अब यहाँ पे चल रहा है जैसे कि वेस्ट इंडीज़ वुमेन साउथ अफ्रीका वुमेन का मैच अभी चल रहा है करंटली, ठीक है। तो अभी मैच चल रहा है, आप देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं, बहुत सारे एक्सट्रीमली आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब देखो वेस्ट इंडीज़ है 3 पॉइंट दिखा रहा है, वेस्ट इंडीज़ 3.00 साउथ अफ्रीका, मतलब कहने का मतलब होगा वेस्ट इंडीज़ पर आप 100 रुपये प्लेस करते हो, बैट लगाते हो, 100 रुपये आपको मिलेंगे 300, जैसे लिखा है प्लेस बैट टू रिटर्न 300 रुपीज़, अगर वेस्ट इंडीज़ जीत जाती तो फिर 300 रुपीज़ मिलेंगे, ओके, ये थी चली जी। एंड अब जैसे यहाँ पे लिखा है रन ऑफ फर्स्ट ओवर डिलीवरी थर्ड बॉल, अब सेकंड डिलीवरी, मतलब कहने का मतलब 0.5, मतलब पहली बॉल पे अगर 1 रन भी आ गया तो आपको मिलेंगे यहाँ पे 100 रुपये की 180 रुपये, ठीक है। अगर पहली बॉल पे 1 रन आता तो, अगर नहीं आता तो आपको मिलेंगे 100 रुपये 190 रुपये। ये देखो अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अभी बेसिकली हम आपको क्लियर कर रहा हूँ कैसी कैसी चीज़ है। और यहाँ पे देखो ऑप्शन है दोस्तों,
बहुत सारे मतलब यहाँ पे दिमाग लगा सकते हो आप। जैसे सेकंड बॉल है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, सेकंड बॉल है तो यहाँ पे मैं जैसे लगाता हूँ, अब यहाँ पे लगा रहा हूँ 25 रुपीज़, ठीक है, से 25 रुपीज़ लगा रहा हूँ, 25 के मिलेंगे 125। वो कैसे मिलेंगे मैं बता देता हूँ आपको। रन ऑफ थर्ड डिलीवरी, थर्ड मतलब कहने का मतलब, अगर 4 रन पड़ जाते हैं मतलब एक चौका पड़ जाता है अगर थर्ड डिलीवरी तीसरी बॉल पर, तो आप जैसे मैंने एक का लगाया 25 रुपीज़, तो 25 के मुझे मिलेंगे 5 गुना, मतलब 25 को मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ 125 रुपये बनते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। आप मतलब प्लीज़ बैट पे बैट कर सकते हो। अब जैसे हम लिखा 4th ओवर साउथ अफ्रीका वुमेन रन्स, और 4th ओवर में 7 रन आ जाते हैं तो मुझे मिलेंगे 100 रुपये के 166 रुपीज़, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये चीज़ है बेसिकली। बाकी आप एक दो बार इसमें छोटी छोटी बैट खेलेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा कैसे कैसे मुझे करना है, कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पर 25 रुपीज़ दोबारा लगाता हूँ, 4th डिलीवरी में 4थी बॉल पर अगर ये 1 रन भी आ जाता है तो मुझे मिलेंगे 25 के 45 रुपीज़, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ करके, आप देख सकते हैं। अभी मैं पूरी वीडियो इसी चीज़ की बना के आपको क्लियर करूँगा कि एक एक चीज़ आपको क्लियर रहे, ठीक है। जैसे मैंने लगाया था 3rd डिलीवरी पे अगर चौका लग जाता है 125 रुपीज़ मिलेंगे, और चौका नहीं लगेगा चाहे 1 रन आए चाहे 2 रन आए चाहे 3 रन आए, चौका नहीं लगा तो मुझे 125 रुपीज़ नहीं मिलेंगे। अब रही बात 4th डिलीवरी पर, जैसे क्या लिखा 4th डिलीवरी 3rd ओवर साउथ अफ्रीका वुमेन रन, मतलब 1 रन भी आ गया तो मुझे 45 रुपीज़ मिलेंगे। मैं दिखाऊंगा अभी, जैसे हम लाइव चल रहे हैं मैच जैसे देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों जैसे यहाँ पे कभी कभार ऑप्शन आता है, यहाँ पे लाइव आप मैच देख भी सकते हो, टीवी की तरह से जैसे दिखाता हूँ आपको, मैं लाइव मैच देख भी सकते हो आप। ठीक है, कभी कभार थोड़ा नेट प्रॉब्लम हो जाता है, इसकी वजह से थोड़ा स्लो है नेट, वरना आप यहाँ पर कभी कभार लाइव देख भी सकते हो। यहाँ पर जैसे ये देख रहे हैं, इस पर क्लिक करोगे तो आप देख भी सकते हो, टीवी टाइप का होता है ये, ठीक है। ये देखो मुझे 45 रुपीज़ मिल गए, ठीक है। और वो वाइट बॉल हो गई थी तो वाइट बॉल भी काउंट होती है सी के अंदर, ये हमेशा याद है। जैसे मैंने 3rd डिलीवरी थी, 3rd डिलीवरी चौका पड़ा और चौका उससे पहले एक वाइट बॉल लगी तो वाइट बॉल 3rd बॉल हो गई, उसके अब ये आ गई 4th बॉल, तो ये हमेशा ध्यान रखना। कभी ये मत सोचना कि 3rd बॉल है और वो वाइट हो गई और आपने उसमें बैट लगाए थे 24 5 रुपीज़ और वो वाइट हो गई, तो वो वाइट बॉल भी काउंट होती है, तो ये आपको हमेशा याद रखनी है, ओके फ्रेंड्स। और जैसे मैं दोबारा आपको 25 रुपीज़ लगा के दिखाता हूँ 6th बॉल पे, 6th बॉल पर अगर 1 रन भी आ जाता है तो मुझे कितने रुपये मिलेंगे, 45 रुपीज़ मिलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया है, ओके फ्रेंड्स। तो ये चीज़ आपको हमेशा सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। और एक चीज़ ऑप्शन दिखा देता हूँ, अब जैसे 4th ओवर में विकेट गिर जाती है तो 100 रुपये आपको मिलेंगे 400, ओके। और ये चीज़ें आप जैसे यहाँ पे लिखा साउथ अफ्रीका वुमेन्स रन, अब आपको लगता है कि 150 से ऊपर रन मारेंगे तो वो आपको इस पर क्लिक करके जितना बैट लगाना वो लगा सकते हैं। आपको लगा 150 से कम रन आएंगे तो यहाँ पे भी आप ऑप्शन जैसे लिखा है ओवर और अंडर, ओवर 150 से ऊपर ये है इस रन से ऊपर, जैसे 135 है, आपको लगता है 135 से ऊपर जाएंगे तो आपको 1.50 मिलेगा, मतलब 100 रुपये के 150 रुपये मिलेंगे आपको, 50 रुपये एक्स्ट्रा, ओके फ्रेंड। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है सारी चीज़ें। जैसे देख सकते हो, बाकी अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं सारी बैट लगाई। अभी लास्ट डिलीवरी है, 7th बॉल है, मतलब इंक्लूडिंग 6th बॉल को देखते हुए भी रन आता है, रन नहीं है तो मैं लॉस, मतलब ये मेरा कोई प्रॉफिट नहीं हो सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से एक बार और दिखा देता हूँ आपको, 20 25 लगाता हूँ, प्लेस करता हूँ तो मुझे मिलेंगे 25 के 43 रुपीज़। पहली बॉल पर अगर एक भी सिंगल रन भी आ जाता है तब मिलेंगे मुझे 43 रुपीज़, ठीक है। एक बार दोबारा आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, जो मैं जो दिखा रहा हूँ आपको लाइव प्ले करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं जो मेरी मनी है डिडक्ट भी हो रहा है और इंक्रीज़ भी हो रहा है अगर मैं जीत रहा हूँ, तो ये लाइव दिखा रहा हूँ आपको कैसे कैसे आप प्ले कर सकते हो बैट, कि काफ़ी लोग आप वीडियो देख सकते हो, कोई आपको लाइव नहीं बताएगा पर मैं यहाँ पर लाइव बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और इसमें दोस्तों काफ़ी कबार ऐसा अच्छा, काफ़ी ऐसे ऐसे ऑफर आते हैं कि आपने बैट लगा दी और आपको लगता है कि हाँ नहीं यार मैं बैट हार सकता हूँ, तो विड्रॉल का ऑप्शन आता है, मतलब कुछ पैसे कट के मिलेंगे पर मिलते हैं आपको तुरंत, आप विड्रॉल भी कर सकते हो। विड्रॉल मतलब यहाँ से जैसे अपने बैट लगाई, जैसे अभी 25 रुपीज़ लगा तो मैं 21 रुपीज़ मिल जाएगा, अब मुझे लगता है कि मैं नहीं जीतूँगा तो मैं 21 रुपीज़ ले सकता हूँ, अपने अकाउंट मेरे बैलेंस आ जाएगा, मतलब
140 रुपये जो 145 रुपीज़ दिखा रहा है उसमें ऐड हो जाएगा, मेरे कहने का मतलब ये है। और इसमें दोस्तों मिनिमम विड्रॉल अमाउंट है 4000 है और मैक्सिमम 50 लाख कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मुझे लगा नो रन आया तो मैं मतलब यहाँ से पैसे मेरे लॉस हो गया मुझे, तो इस चीज़ आपको माइंड में रख के सेट करके चलनी है, ठीक है। अब मुझे मिलेगा 25 रुपीज़ की 50 रुपीज़ अगर मैं यहाँ पे विन करता हूँ तो, ठीक है। मैं आपको दोबारा प्रेस कर, जैसे यहाँ पे सेकंड बॉल पे भी कोई रन नहीं है, तो ये चीज़ें होती है, सारी चीज़ें आप नोटिस कर सकते हो। जैसे फोर्थ बॉल पे मैं लगा देता हूँ, और ये दोस्तों बहुत अच्छा है अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हो, आपको लगता है मैं काफ़ी अच्छा हूँ स्पोर्ट में, मुझे आइडिया है कि कैसे क्या कर सकते हैं, तो इसमें आप यहाँ पे इसमें बैट लगा के विन कर सकते हो, काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। और दोस्तों ज़्यादा एडिक्टेड मत हो जाना, अपना लिमिटेड लगाना, क्योंकि फिर मुझसे बोलोगे आशीष भाई ने ऐसे ऐसे बता दिया मुझे, ठीक है। तो अपने आप को कंट्रोल भी रखना है, क्योंकि एडिक्शन थोड़ी गंदी चीज़ होती है, ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं होती एडिक्शन, किसी चीज़ की भी एडिक्शन हो, या वो अल्कोहल हो, लीकर या कोई भी हो, एडिक्शन अच्छी नहीं होती है, मैं तो यही कहूँगा। तो बट सी ये आपको विन करो तभी इस पर इन्वेस्ट करना, और बाकी वैसे मेरी तरफ से ये कोई जेन्युइन ऐप है, इसमें कोई फ्रॉड वाली बात नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। एंड आज का वीडियो फ्रेंड्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस ऐप को आज ही डाउनलोड कीजिए और बैट खेलिए, और बताइए आपने कितने विन किए कितने नहीं किए, और अपना एक्सपीरियंस मुझे मेरे साथ शेयर करना मत भूलना। एंड आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई डाउट इंक्वायरी उस वीडियो से रिलेटेड तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इसी तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए टेक केयर फ्रेंड, स्टे होम स्टे सेफ। इसी तरह